हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम एक इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे। बेसिकली वो पॉलिटी से संबंधित है, लेकिन आपका जो ये है वो यूजफुल होगा आर्गुमेंट राइटिंग में, एसे में, रिपोर्ट राइटिंग में, और समटाइम जो आपका एमसीक्यू में भी यूज होगा। कुछ चीजें जो आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, लेकिन मेनली ये जो है आर्गुमेंट राइटिंग, एसे राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दो टर्म हम डिस्कस करेंगे दो चीजों के बारे में, एक है कूलिंग ऑफ पीरियड और एक राज्यसभा नॉमिनेशन। तो अभी जो आप फोटो देख रहे हैं वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जो इसके पहले आपके चीफ जस्टिस थे, अभी वर्तमान में जो अरविंद शरद भोबडे, अरविंद शरद भोबडे के पहले जो थे ये रंजन गोगोई आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो ये अभी जस्ट राज्यसभा में नॉमिनेट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी टाइप का है। कंट्रोवर्सी इन द सेंस है कि कहीं कहीं आप जो एक इंटीग्रिटी का प्रश्न उठाते हैं फिर आप उसी चीज को फॉलो करते हैं। जैसे ऑब्वियसली बात है, ही इज द पर्सन ऑफ इमिनेंस, इन्होंने एक लंबे समय से जो इशू चलता आ रहा था, मोर देन 150 ईयर्स का इशू राम जन्मभूमि का, उस चीज को इन्होंने सुलझा दिया। लेकिन यही ऐसा नहीं है ना कि सारे पार्टी इसमें एग्री हो गए, कहीं ना कहीं बहुत सारे डिसएग्री। अब तुरंत आप राज्यसभा में नॉमिनेट हो गए, तो कहीं ना कहीं जो अपोजिशंस हैं, जो इनके इस जजमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको तो ये लग रहा है कि दैट वाज द गिफ्ट और इन्होंने उस चीज को किया। अब देखोगे बेबैक, ये जब कुछ दिन पहले जब रंजन गोगोई सेकेंड सीनियर मोस्ट जज हुआ करते थे, उसके पहले ही उन्होंने क्या किया, विवाद उठाया था या क्या, कि हम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ही ट्रीट्स मास्टर ऑफ रोस्टर एंड ही इज नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू अदर जजेज। तो यदि आप चीजों के प्रति उठा रहे हैं, जब आप वही पोस्ट पे आते हैं या फिर पोस्ट से रिटायर होते हैं, तो आप सेम चीजों को फॉलो करते हैं, तो दैट इज द कॉन्ट्रेडिक्शन। एंड ही इज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू बी नॉमिनेटेड और ही इज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू बी to get the position, a lot many have gained, but he took very soon, he should have waited for some time. To ye hai aapka jo news ye hai ki nomination of former CJI Ranjan Gogoi to Rajya Sabha, theek hai, he is not the first, Justice Bahrul Islam was first to be nominated. Ek interesting story ye hai, ye bahut jo aapke Bahrul Islam the wo bahut interesting character hai, pehle Rajya Sabha ke member the, आरएस के मेंबर थे आपके 1972 में, राज्यसभा मेंबर के बाद ये जज बन गए, जज बने आपके गुवाहाटी हाई कोर्ट में, ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट में जज बने, वहां से वहां गुवाहाटी हाई कोर्ट के सीजेआई बन गए, सीजेआई बनने के बाद इनका रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट में हो गया, सुप्रीम कोर्ट में जज ये रहे, उसके बाद जब यहां से रिटायर हुए तब फिर ये राज्यसभा में नॉमिनेट हो गए। अर्थात पहले आप राज्यसभा के मेंबर रहे, फिर आप हाई कोर्ट के जज बने, फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जज बने, फिर उसके बाद आप राज्यसभा। तो ये जनरली देखो मेजोरिटी का क्या होता है, जो जजेज बनते हैं, तो आप जज बन रहे हो उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आ रहे हो, ये पहले ही पॉलिटिक्स में थे, कांग्रेस के सीट पे, कांग्रेस के टिकट पे राज्यसभा के मेंबर थे, उसके बाद इन्होंने कांग्रेस के लिए कुछ फेवरेबल जजमेंट दिए, उस फेवरेबल जजमेंट के बाद इनको फिर से नॉमिनेट कर दिया गया, तो ही वाज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज टू बी नॉमिनेटेड इन राज्यसभा। अब ये है कि आपका उसके और बाद हैं ये जस्टिस सीजेआई जो इंडिया के थे, रंगनाथ मिश्रा भी आपके चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तो वो भी आपके नॉमिनेट हो चुके हैं। फिर उसके बाद कुछ जजेस जैसे ये जस्टिस पी सथाशिवम, तो पी सथाशिवम भी थे, वो इंडिया के चीफ जस्टिस थे, तो इंडिया के चीफ जस्टिस के बाद आप गवर्नर बने, आप उसके बाद तो वहां भी कॉन्ट्रडिक्शन हुआ था। फिर है मंडगद्दे रामा जोईस जो थे वो झारखंड के और बिहार के गवर्नर रहे, मीरा साहिब फातिमा बीवी, यानी कि इंडिया की फर्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट में लेडी जज ये बनी, उसके बाद ये जो है हिमाचल प्रदेश की गवर्नर रही। तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट नहीं है, और भी ऐसे पर्सन हुए हैं, जैसे आप आर एम लोढ़ा, राजेंद्र मल लोढ़ा, हाउएवर वो उस टाइप के पोस्ट नहीं पे रहे, लेकिन आप बीसीसीआई में रहे, बीसीसीआई को उन्होंने अच्छा खासा दिन तक संभाला। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स
क्रिएट और भी जगह है। अब देखो चीजें क्या होता है, कहते हैं ना कि जस्टिस शुड नॉट बी डन, जो है जस्टिस शुड बी डन टू बी मेड, वो जस्टिस सिर्फ दिखना ये किया ही नहीं जाना चाहिए, वो दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब आप एक जो इंडिया के जुडिशियरी है, मान के चलो पॉलिटिशियन है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के जो हमारे तीन पार्ट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो देखो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो इंडियन सिस्टम के अनुसार जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर है वो लेजिस्लेटिव के मेंबर है, हाँ कुछ बंदे जो लेजिस्लेटिव के मेंबर नहीं है वो भी एग्जीक्यूटिव के मेंबर हो सकते हैं, लेकिन विद इन सिक्स मंथ उन्हें लेजिस्लेचर बनना होता है, आइदर वो राज्यसभा में जाएं या लोकसभा में जाएं। लेकिन जुडिशियरी जो है एक तरह से इंडिपेंडेंस इसके पास है, तो बहुत सारी चीजों को आप जब इंडिपेंडेंस चाहते हो, आप लिबर्टी चाहते हो, आप ये चाहते हो, जैसे इंडिया एक यूनिक कंट्री है जहां जजेज अपने आप को अपॉइंट करते हैं, तो अब जब एनजेसी आया, नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको क्या है इंडिपेंडेंस के नाम पे आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको नल एंड वॉइड कर दिया। तो जब आप इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं, आप पर एक इंडिया का के पर्सन फेथ करते हैं, जैसे पॉलिटिशियन है तो लोग समझते हैं पॉलिटिशियन इज करप्ट, सॉरी दिस इज द परसेप्शन आई एम सेइंग कि पीपल थिंक, लेकिन जुडिशियरी में अभी भी लोगों के पास बिलीफ है। अब ये चीजें होती है कि आपने जजमेंट दिया और तुरंत आप पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले रहे हैं, या फिर आप मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश रख रहे हैं, या आप गवर्नर बनने की ख्वाहिश रख रहे हैं, या आप कुछ और चीजों को, तो एक जुडिशियरी में जो फेथ होता है वो सेक होता है कि नहीं ये लोग भी फेवरेबल पोस्ट चाहते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है कि जस्टिस जेएस वर्मा, जगदीश शरण वर्मा, जो निर्भया केस के बाद जो कमेटी बनी थी वो उसके वो चेयरपर्सन थे, तो वो भी चीफ जस्टिस, तो चीफ जस्टिस जेएस वर्मा जो थे उनसे पूछा गया कि क्या जो इंडिविजुअल है वो इंस्टीट्यूशंस खड़ा कर सकते हैं, वो उनके पास क्या चीजें होनी चाहिए। उन्होंने बोला देखो कोई भी इंडिविजुअल जो उस लेवल पे पहुंच गया है तो उसको दो चीजें होनी चाहिए कि क्लियर योर पास्ट एंड नो एम्बिशन इन द फ्यूचर। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने बोला और इसको आप यूज कर सकते हो कि यू शुड हैव क्लियर योर पास्ट, ठीक है, क्लियर योर पास्ट एंड नो एम्बिशन इन फ्यूचर। तो यदि आपका फ्यूचर में कोई एम्बिशन नहीं है, पास्ट में कुछ आप ऐसा नहीं किया है, तो आप कुछ भी करने के कैपेबल हैं, आप एक इंस्टीट्यूशंस खड़ा करने के कैपेबल हैं। जैसे आप देखो टीएन सेशन ने इंडिया का जो आपका इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने प्रॉपर खड़ा किया। ये मैं स्टेटमेंट इस वजह से दे रहा हूं कि उसी इलेक्शन कमीशन में अशोक लवासा वो मेजोरिटी से डिसएग्री हो रहे थे, कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन है उसमें 3 मेंबर्स हैं, तो 2 जो मेजोरिटी जिस चीज को करेंगी वो उसको फॉलो किया जाएगा। अशोक लवासा जो थे, अशोक लवासा ने उसको उठाया इस मुद्दे को कि हमारी बात, हम माइनॉरिटी में हमारी बात रिकॉर्ड नहीं की जाती है। सरकार ने क्या किया, अशोक लवासा जब पावर सेक्रेटरी थे तो इनके खिलाफ कुछ केसेस खोला कि इन्होंने करप्शन की। तो यदि ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू दैट केस, जस्ट आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल, आपका यदि पूरा होल थिंग्स क्लियर है, पास्ट में आपका क्लियर है और फ्यूचर में कोई एम्बिशन नहीं है, you can say anything, you can do anything, no power can stop that। तो कहीं ना कहीं जो चीजें होती है कि आप उस चीज को के प्रति यदि आप अडिग रहते हो तो आपको करना पड़ता है। जैसे जुडिशियरी में ही देखो जस्टिस चेलमेश्वर भी जो अपने दीपक मिश्रा थे, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जो उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो जस्टिस चेलमेश्वर थे, रंजन गोगोई भी थे। चेलमेश्वर रिटायर होने के बाद बोले हमें कोई एम्बिशन नहीं है, हमें कोई पोस्ट नहीं लेना है। तो जब आप ये बोलते हो कि आई हैव टू टेक नो एनी पोस्ट, तब आप उस चीज को अडिग रहते हो चीजों को, जैसे हर चीजों में होती है, हर पोस्ट में, कि आपके पास फ्यूचर एम्बिशन कि हम रिटायर हो गए उसके बाद हमें फ्यूचर में क्या मिले, तो फ्यूचर में असाइनमेंट कौन देगा, गवर्नमेंट देगा। तो कहीं ना कहीं आप कितना भी ऑनेस्ट रहते हैं तो थोड़ा सा टिल्ट टाइप के बहुत ऐसे लोग हुए जिन्होंने पूरी तरह से आप उनके बारे में जानोगे ही नहीं कि वो उसके बाद रिटायरमेंट, जैसे जेम्स माइकल लिंगदो, जेएम लिंगदो इलेक्शन ये कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उन्होंने एक तरह से
तब के गवर्नमेंट को, जो भी जैसे गुजरात का उस समय राइट हुआ था, तो उस ड्यूरेशन में उन्होंने क्रिटिसाइज वगैरह भी किया और अपने अनुसार चीजों को किया, तो बहुत लोगों ने जो बीजेपी के थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया, तो उसके बाद उन्होंने बोला जब तक मैं पोस्ट पे हूँ तो पोस्ट पे हूँ, पोस्ट के बाद मैं कोई एक्शन, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की, लेकिन मैं जब तक पोस्ट पे हूँ अपना काम ऑनेस्टी से करूंगा। उसके बाद आप जेम्स माइकल लिंगदोह का नाम भी नहीं सुनोगे, हाउएवर स्टूडेंट पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजों के लिए भी उन्होंने काम किया। तो कहीं ना कहीं वो चीजें होती है कि आप पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स लेने के लिए, आप कितना भी ऑनेस्ट हो तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन। यदि आप एक जज हो या आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, एक आप सीनियर रिटायर्ड IAS ऑफिसर हो, तो आपके पास सोसाइटी को सर्व करने के लिए बहुत चीजें हैं। जस्ट इमेजिन करो, एक सुप्रीम कोर्ट का जज है, आपके पास लॉ का 40 इयर्स, 30 इयर्स, 50 इयर्स, 45 इयर्स, 30 इयर्स, व्हाटएवर एक्सपीरियंस है, आप मासेस को उससे अवेयर कर सकते हो, आप कहीं टीचिंग कर सकते हो, कहीं और चीजें कर सकते हो। दिस इज नॉट ओनली कि आप गवर्नर बने वो तभी कंट्री का सर्व कर सकते हो, या फिर हाँ देर आर सम सर्टेन प्लेसेस वेयर इट इज रिक्वायर्ड। जैसे देखो NHRC है, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसके जो चेयरपर्सन होते हैं तो वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं, दैट्स फाइन, वहाँ आपकी जरूरत होती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वहाँ जरूरत होती है, तो जहाँ जरूरत है दैट्स फाइन, अदरवाइज जो काम और दूसरे लोग भी कर सकते हैं तो अननेसेसरी वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए, कि दैट डिग्रेड इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रिटी, सॉरी इंटीग्रिटी आपकी जो ये करता है, ठीक है, तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए कि ये करें। अब राज्यसभा का नॉमिनेशन जो है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान ले, चीजें यूजफुल होता है। तो जो अब तक हमने बताया कि जैसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इसके दोनों पक्ष होने चाहिए, कि ऑब्वियसली देयर शुड बी द थिंग्स की दे शुड ज्वाइन, बट दे शुड ज्वाइन इन द सेंस की वेयर देयर आर हेल्पफुल, चीजों को जो हेल्प कर सकते हैं, जैसे मान के चलो कुछ जैसे मैंने बताया NHRC वगैरह है, वहाँ उनका एक्युमुलेटिव एक्सपीरियंस काम करता है, या फिर आपका जैसे नेशनल ग्रीविन ट्रिब्यूनल है, या फिर आर्बिट्रेशन है, जैसे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, किसी लॉ यूनिवर्सिटी है वहाँ के उनको वाइस चांसलर आप बना सकते हैं, या फिर वहाँ उनको एज ए प्रोफेसर इमरिटस बना सकते हैं, बहुत सारे चीजें हैं जो कि वो काम आए, तो दोनों चीजों के बारे में आपको समझना होगा। अब राज्यसभा में है देखो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा क्या है, कैन बी 250। आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब ये सारी चीजें भी आपको फैक्चुअल में भी आ सकता है, आप ऐसे में भी यूज करोगे और फैक्ट्स में भी यूज करोगे, तो आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट 12 members are to be nominated by President of India and not more than 230 representatives from the states to be elected by the elected members of the state legislative assembly in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable votes. अब देखो ये चीजें जो है state legislative assembly, तो ये जो initially था कि आपके पास जो आज के डेट में हमारे पास 2 यूनियन टेरिटरी हैं जहां लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन पहले लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरी में नहीं था, तो ये इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशंस में ये दिया हुआ, लेकिन जब बाद में दिल्ली और पुद्दुचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली हुए तो वहां से भी मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। फिर अब देखो जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को बाइफर्केट करके 2 यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया, तो जब भी अब इलेक्शन होगा तो जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वहां लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, तो वहां से भी इलेक्ट होंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अब देखो आर्टिकल 80 क्लॉज 3 कहता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द मेंबर ऑफ टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट to the Rajya Sabha should have a special knowledge or practical experience in matters like literature, science, art and social service. तो अब देखो ये जो चीजें हैं literature, science, art and social service, अब देखो कुछ terms बहुत vague हैं, जैसे art जो term है वो vague है, जैसे just अब देखोगे economics को subject के तौर पे कुछ जगह art treat किया जा रहा है, किसी जगह science उसको treat किया जा रहा है, तो अब उस डेफिनेशन के अनुसार लिटरेचर ठीक है, लिटरेचर, सोशल वर्क एक बहुत ब्रॉड टर्म है, अ लॉट ऑफ पीपल जो हैं ये इस कैटेगरी के अंदर आते हैं,
तो अब देखो इसका मतलब है शुड हैव, ये मैंडेटरी नहीं है, ये शुड हैव होने चाहिए उनके पास, दैट्स फाइन। फिर उसके बाद ये करा आर्टिकल 84 क्लॉज बी स्टिपुलेट दैट ए पर्सन शैल बी नॉट लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज। देखो एलएस लोकसभा के लिए जो क्या होता है, लोकसभा के लिए मिनिमम 25 इयर्स है और राज्यसभा के लिए 30 इयर्स। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनके लिए क्या है आपका मिनिमम 35 इयर्स है। तो ये आपको फैक्चुअल्स में भी पूछा जाता। अब देखो कभी कभी पूछ देता है ना कि जो पार्लियामेंट के लिए मिनिमम कितना चाहिए, तो पार्लियामेंट में दोनों हाउस होता है तो मिनिमम उसमें 25 हो जाएगा। कंफ्यूजिंग के लिए आपका 30 भी दे देते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो दोनों से मिलकर के बना हो, तो उसमें से एक हाउस जो है उसमें मिनिमम 25 इयर्स होने चाहिए। अब देखो ये जो लिस्ट है प्रेजेंट मेंबर्स के हैं, जो राज्यसभा में प्रेजेंट नॉमिनेटेड मेंबर 12 हैं, तो रघुनाथ मोहापात्रा ये आपके उड़ीसा के हैं, ये आर्ट के हैं। तो देखो ये जो है ना, आप इसमें से देखोगे 12 में से 9 बीजेपी के ज्वाइन किए हुए। नॉमिनेटेड मेंबर के साथ क्या होता है कि जब आप नॉमिनेटेड होते हो तो ये माना जाता है कि आप पार्टी के आधार पे नॉमिनेट नहीं हुए हो, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑब्वियसली पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है। हाँ ये चीजें होती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो आपका जिनका नाम देंगी वही उनको ही नॉमिनेट करना होगा। लेकिन जो नॉमिनेट हुए हैं तो विद इन 6 मंथ, 6 मंथ के विदिन उन्हें यदि वो कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो दे कैन ज्वाइन, ये ठीक है, तो वो आपके ज्वाइन किसी भी ये कर सकते हैं। तो जो रघुनाथ मोहापात्रा हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। सोनल मानसिंह फेमस डांसर हैं आर्ट से बीजेपी। राम सकल सोशल वर्क, ये भी बीजेपी। राकेश सिन्हा लिटरेचर, बीजेपी। रूपा गांगुली वो जो महाभारत में द्रौपदी बनी हुई हैं, वो संभाजी राजे सोशल वर्क। सुरेश गोपी आर्ट। सुब्रमण्यम स्वामी वेरी फेमस पर्सन, चर्चित पर्सन, बहुत बार गलत चीजों के कारण भी, इकोनॉमिक्स। नरेंद्र यादव वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इकोनॉमिक्स। मैरी कॉम ऑब्वियसली गोल्ड मेडल, ये बहुत सारे गोल्ड मेडल और आपके ओलंपिक्स में भी मेडल जीती हुई है, सिल्वर मेडल। ठीक है, तो ये हो गई स्पोर्ट्स। फिर आपका सपन दास गुप्ता, ये जर्नलिज्म, ये बीजेपी। रंजन गोगोई अभी जस्ट लॉ। तो देखो रंजन गोगोई, मैरी कॉम और नरेंद्र यादव, इन इन लोगों ने पार्टी ज्वाइन नहीं करा है और बाकी लोगों ने पार्टी ज्वाइन कर रखा है। यहाँ हम कुछ लिस्ट दे रहे हैं जो नॉमिनेटेड फेमस मेंबर्स रह चुके हैं, और सबका मैं नहीं बना रहा हूँ, लेकिन कुछ फेमस पर्सन जैसे अल्लादी कृष्णा और स्वामी अय्यर। तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो ऑब्वियसली फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर एंड कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में इन्होंने अहम भूमिका अदा करी। स्वतंत्रनाथ बोस, जो एशन बोस, जो आपके बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो फिफ्थ स्टेज ऑफ मटेरियल होता है, नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेटेड हुए लेकिन उन्हें मिला नहीं। तो एशन बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, ये भी आपके नॉमिनेट हो चुके हैं। फिर पृथ्वीराज कपूर, ऑब्वियसली एवरीवन इज नोइंग। रुक्मिणी देवी, अरुण डले फेमस डांसर। मोरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इन्हें 1977 में जब नीलम संजीवा रेड्डी इंडिया के प्रेसिडेंट बने तब इन्हें प्रेसिडेंट बनने का ऑफर दिया गया था, तो लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं एक डांसर के तौर पे ज्यादा अपने को कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो ये भी रही हैं। मैथिली शरण गुप्त, ये आपके ऑब्वियसली फेमस ऑथर। काका साहब कालेलकर, ये जो फर्स्ट ओबीसी कमीशन बना, ठीक है, फर्स्ट ओबीसी कमीशन, तो सेकेंड ओबीसी जो ओबीसी लागू हुआ वो बीपी मंडल के रिकमेंडेशंस पे लागू हुआ, लेकिन जो फर्स्ट कमीशन था ओबीसी का, जब जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, वो काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में ही बनी थी। और काका साहब कालेलकर जो गांधी जी का दांडी मार्च था उसमें भी एक मेंबर थे वो जाने वालों में से। फिर है पांडुरंग बामन काने, ये भी भारत रत्न अवार्डी हैं। जी शंकर कुरूप, ये फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला हुआ है। भगवती चरण वर्मा, ये फेमस चित्रलेखा के ऑथर हैं। खुशवंत सिंह, वन ऑफ द फेमस ऑथर। नरगिस दत्त, संजय दत्त की मम्मी। सलीम अली, ये ऑर्निथोलॉजिस्ट, जो वर्ड से रिलेटेड जो स्टडी होता है चिड़िया से, पक्षियों से, तो ऑर्निथोलॉजिस्ट रह चुके हैं।
ऑर्निथोलॉजिस्ट, इला भट्ट ऑब्वियसली जो सेवा है विमेन एम्पावरमेंट से संबंधित, अमृता प्रीतम ऑब्वियसली फेमस ऑथर और जो पिंजर है बुक, ठीक है, तो वो उससे यही इन्होंने लिखा, एम एफ हुसैन वन ऑफ द फेमस पेंटर, आर के नारायण फेमस नोवेलिस्ट, रविशंकर ये अपने म्यूजिशियन, ठीक है, सबाना आजमी ऑब्वियसली फिल्म इंडस्ट्री, कुलदीप नैयर फेमस जर्नलिस्ट, प्रोफेसर राजा रमन्ना। देखो राजा रमन्ना जो इंडिया ने 1974 में जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया तो उसमें दो फेमस पर्सन थे, प्रोफेसर राजा रमन्ना और होमी एच सेठना, ठीक है, सेठना और डॉक्टर राजा रमन्ना, ये दोनों फेमस थे। तो ये हुए हैं नानाजी देशमुख जिनको कि भारत रत्न मिला, लता मंगेशकर ऑब्वियसली नो, और फलियस नरीमन फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सुप्रीम कोर्ट लॉयर, बिमल जालान आरबीआई के एक्स गवर्नर, के कस्तूरी रंगन अभी ये भी इसरो के चेयरपर्सन रह चुके हैं, इसरो चीफ, एज वेल एज जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो कमिटी बना तो इसके चेयरपर्सन थे, दारा सिंह ऑब्वियसली जो हनुमान बने, राम जेठमलानी फेमस लॉयर, श्याम बेनेगल फेमस फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर, आपके एम एस स्वामीनाथन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, सी रंगराजन आरबीआई गवर्नर एंड फेमस इकोनॉमिस्ट, जित कमिटी कोई भी फील्ड का नाम लो रंगराजन कमिटी उसमें है ही है, जावेद अख्तर ऑब्वियसली म्यूजिशियन, रेखा एवरीवन इज नोइंग, सचिन तेंदुलकर, अनुआगा एंटरप्रेन्योर्स एंड सोशल आपके सोशल सर्विस के लिए सोशल वर्कर, मणिशंकर अय्यर फेमस पॉलिटिशियन, नरेंद्र मोदी को चाय बेचने के लिए फेमस करने वाले, निर्मला देश पांडे वन ऑफ द मोस्ट इमिनेंट सोशल साइंटिस्ट। तो ये कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड इमिनेंट हुए हैं, ऐसा नहीं है, देखो राज्यसभा में यदि इमिनेंट मेंबर जा रहे हैं तो वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशू उठाते हैं जिससे कि देश को फायदा होता है कुछ चीजों में, जैसे स्पोर्ट्स में सचिन तेंदुलकर कैन गाइड बेटर वे, सी रंगराजन है इकोनॉमिक्स में बेटर वे में गाइड कर सकते हैं, निर्मला देश पांडे सपोज थी तो वो सोशियोलॉजी के तौर पे बेटर गाइड कर सकते हैं। अब कुछ जैसे रंजन गोगोई है, नो डाउट ही हैज बीन इन लॉ फॉर अ लॉन्ग टाइम, इनके फादर भी ये आसाम के सीएम रह चुके हैं, लंबे समय से ये लॉ के को जानते हैं, तो नो डाउट ये फायदेमंद बहुत होंगे चीजों को करा जाए तो। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो बायसनेस मन में डेवलप हो जाता है, पब्लिक को भी ये लगना चाहिए कि नहीं आप एक वैल्यू इंटीग्रेटेड हैं, तो आप दोनों में फॉर एंड अगेंस्ट आप इस चीज को ऐसे में लिख सकते हो। कुछ फेमस नेम्स मैंने जैसे बताया ये राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, तो इन चीजों को कोट कर सकते हो आप, ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप यूज कर सकते हो किसी में भी रिपोर्ट राइटिंग, ऐसे फॉर एंड अगेंस्ट में एंड जीएस में भी, आपका पेपर वन में आपका जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होता है उसमें भी काम आएगा। फिर अब एक और है, दूसरा है जो आपका हमने कूलिंग ऑफ पीरियड, तो कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ जो गवर्नमेंट रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं उनके लिए, तो ये जो एक स्टेटमेंट हमने ये लिया है, ये पूरा स्टेटमेंट ये पीआईबी से हमने लिया है, पीआईबी यानी 1st of August 2018 का, तो ये पार्लियामेंट में बयान जो दिया गया उसके अनुसार। देखो अदरवाइज जो कूलिंग ऑफ पीरियड 1995 तक जो ऐसे नॉर्मली था, 1995 तक वो 2 years का कूलिंग पीरियड था, वो सॉरी शायद देख लेना उसका 2005 या 95 ये जो भी है एक बार चेक कर लेना, तो पहले 2 years का आई एम नॉट श्योर, तो 2 years का पहले कूलिंग ऑफ पीरियड था, उसके बाद जो कूलिंग ऑफ पीरियड है वो नॉर्मली 1 year कर दिया गया, लेकिन जो ये संसद में बयान दिया गया पार्लियामेंट में उसके अनुसार देयर इज नो प्रोविजन ऑफ कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 1 year फॉर रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एज पर रूल्स, इफ अ पेंशनर हु इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट वाज अ ग्रुप ए ऑफिसर इंक्लूडिंग ऑफिसर्स बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज विशेष टू एक्सेप्ट एनी कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट he shall obtain the previous sanction of the government to such acceptance by submitting an application in the prescribed form. The rules also provide that if such a pensioner takes up any commercial employment at any time before the expiry of 1 year from the date of his retirement without prior permission of the government,
it shall be competent for the government to declare that he shall not be entitled to the whole or such part of the pension and for such period as may be specified. This information was provided by the Union Minister of State Independent Charge Development of Northeastern Region, MOS, PMO, Personal, Public Grievance and Pension, Atomic Energy and Space, Dr. Jitender Singh in written reply to a question in the Lok Sabha on 1st August 2018. देखो ये जो previous जो NDA one जो यानी कि मोदी one government में ठीक है मोदी one में ये बयान ये दिया गया. देखो ये जो contradiction यानी कि ऐसा normally है कि 1 year cooling period है. This is fine कि आपका 1 year cooling period आपका है, लेकिन ये चीजें strict नहीं है. ये यही चीजें कि आप 1 year के बाद आप free हो, आपको proper government permission की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 year के पहले लेते हो तो government से आपको written permission लेना पड़ेगा. और यदि नहीं लेते हो तो आपके उस ड्यूरेशन के में आपके जो पेंशन वगैरह हैं और जो बेनिफिट्स हैं उसमें आपको डिडक्शन किया जा सकता है. एक ये कॉन्ट्राडिक्शन उस समय ये भी आया था कि आपके जो अभी वर्तमान में फॉरेन मिनिस्टर हैं यस जयशंकर, तो जयशंकर क्या थे कि आपके पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे. इनफैक्ट फॉरेन सेक्रेटरी भी वो उस ढंग से बनाया गया जब सुजाता सिंह फॉरेन सेक्रेटरी थी, लेकिन यस जयशंकर रिटायर हो रहे थे तो चूंकि जो सेक्रेटरी बनते हैं उन्हें 2 years का फिक्स टेन्योर दिया जाता है, तो रिटायरमेंट से जस्ट एक दिन पहले यस जयशंकर को क्या किया गया कि फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया और सुजाता सिंह को दूसरे पोस्ट पे. तो सुजाता सिंह ने बोला मैं सीनियर हूँ एक तरह से, तो मैं इस चीज को नहीं कर सकती हूँ, तो उन्होंने रेजिग्नेशन एक तरह से दे दिया. अब उसके बाद जब यस जयशंकर रिटायर हुए तो यस जयशंकर फॉरेन सेक्रेटरी से रिटायर होने के बाद उन्होंने टाटा ट्रस्ट ज्वाइन कर लिया. ठीक है, टाटा ट्रस्ट ज्वाइन कर लिया, टाटा का ग्रुप का ज्वाइन कर लिया. तो अब टाटा को आपने यदि ज्वाइन करा है तो वो कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्शन आया था. तो ये एक रिटर्न रिप्लाई में तब के जो जितेंद्र सिंह अभी भी मिनिस्टर हैं तो उन्होंने वो रिप्लाई में दिया था कि नहीं, कूलिंग पीरियड का प्रॉपर ये प्रोविजन है, लेकिन आप जो है वो कर सकते हैं, आप रिटर्न एक्सेप्टेंस रिटर्न देंगे, यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट कर लेती है तो आप उस जॉब को ले सकते हैं. ठीक है, तो ये चीजें आपको कुछ जानने की जरूरत था. होप यू एंजॉयड दिस सेशन. यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ नाइस डे.